नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, आपने इनमें से एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, मैं देखती हूँ कि क्या करंट एनर्जी में निकल के आता है। फायर वन, फायर टू। ठीक है, मैं इसके साथ शुरू करूँगी। अगर आपने ये चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। लेकिन जो एनर्जी मुझे आ रही है उस पर ध्यान देना थोड़ा। जो ये पायल है उसके लिए इस कार्ड से रीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, और जो ये पायल है उसके लिए इस कार्ड से रीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं कार्ड वन के साथ शुरू करती हूँ, जिसने इस वाले पायल को चूज़ किया है। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। पायल वन वालों की करंट फीलिंग क्या है। जिसने नॉस्ट्रैडेमस टैरो कार्ड को चूज़ किया है, उनके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। देखिए, देखते रहिए, कार्ड जो निकल के आएंगे वो हम देख लेते हैं। पहले कार्ड कौन कौन से मिलते हैं उसके बाद ही हम कुछ बोलेंगे। कोई है जिसकी तबीयत खराब है यहाँ पे, कौन है? या तो आपके पार्टनर की तबीयत खराब है या आपकी तबीयत खराब है। मुझे लग रहा है आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो रहा है इस टाइम। आपके हेल्थ इशू हो सकते हैं इस टाइम, तबीयत खराब है आपकी। ठीक है, आपको या ऐसा भी है कि आप जो हीलर हैं यहाँ पे, या कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी करते हैं किसी भी, उससे भगवान के पाथ पे चलते हुए किसी इंसानों की आप मदद करते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये काम मैं छोड़ दूँ या इंटरेस्ट ना हो रीडिंग देखने में, या किसी टैरो कार्ड में विश्वास ना हो, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन हेल्थ अभी ख़राब लगती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान यहाँ पे आप में से दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड यही मैसेज दे रहे हैं क्लियर। और जो आपका पार्टनर है जस्टिस के लिए सोच रहे हैं, और आपको ये जस्टिस अब चाहिए नहीं, वो चाहिए आपको भगवान से। ठीक है, अब आप अपने आप में ही पूर्ण हैं, और आपको इस इंसान से कोई दिखावे वाली एनर्जी नहीं चाहिए, कोई जस्टिस नहीं चाहिए। आपको पता है कि ये इंसान कितना चालबाज है, इस तरह से एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत सी जगह पे आपके जो डीएम है किसी ऐसी जगह से जुड़े हैं, या तो वो कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, भगवान की लाइन पे चलते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं उन्हें, और यही काम आप भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई टैरो वगैरह सीख रहे हों आपके पार्टनर, या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हों इस तरह से, या और भी कुछ, जैसे कह देते हैं कि इंसानों की मदद करना किसी भी हिसाब से, और आप भी वही कर रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हेल्थ इशू चल रहे हैं, तंगी बहुत ज़्यादा है, शारीरिक तौर से परेशान है। एट ऑफ वैंस जैसा कि मैंने कहा था। और मैं दूसरा आपको सुनाऊँ एक बात, और मैं बताती हूँ आपको, मुझे यहाँ से ये कार्ड भी मिला है और ये भी मिला है। तो ये जो कार्ड है यहाँ पे आया है, सेवन अवेंस, एस ऑफ कप्स। अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, बाद में करूँगी, अभी लग रहा है आपको चलो ठीक है बाउंड्री बना लेते हैं, चलो ठीक है ये इंसान आना नहीं चाहता है, या ये इंसान बाहर निकलना नहीं चाहता है, बाहर की तरफ देखना नहीं चाहता है, या आप इस तरह से बाहर की तरफ देखना नहीं चाहते हो, तंग आ गए हो बहुत ज़्यादा, और आपको लग रहा है कि ये इंसान आएगा नहीं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है उस जगह को प्यार दो, उस जगह को प्यार देने की ज़रूरत है। ये इंसान
आपके हिसाब से, कहते हैं ना वो 360 डिग्री बदलाव आने वाला है बहुत जल्दी, और कोई सॉन्ग, कोई चैनलिंग सॉन्ग आप सुन सकते हैं इन दिनों, इस रीडिंग के बाद आप देखेंगे एक बेहतरीन ज़िंदगी के साथ आपकी एक एनर्जी इतनी तरीके से बदल जाएगी कि आप सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, टीवी के आगे बैठ गए और सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया आपने, इस तरह की एनर्जी है, या ईयरफोन लगा लिए और सॉन्ग सुनना शुरू कर दिए। ये चैनलिंग आपके पार्टनर को पहुंच सकती है, इस तरह से आप करेंगे। आप क्या, आप नहीं भी करेंगे तब भी होगा ये ऐसा आपके साथ। ठीक है, 9 of Wands, अभी तक जो भी बातें पकड़ के रख रखी थी कि ठीक है हम नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर जो हैं वो भी नहीं रुक पा रहे हैं, आपका ये कड़क स्वभाव देख के ऐसा लग रहा है उनको कि गुस्सा होएंगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं देखेंगे। वो अब तक जो बातें उन्होंने पकड़ रखी थी, जो बाउंड्री उन्होंने बना रखी थी, उनको छोड़ के वो एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाह तो रहे हैं। हम हर रीडिंग में देख लेते हैं कि वो आएगा, वो वापस आएगा, क्योंकि आने वाला है, सब कह देते हैं, लेकिन क्या है, रिज़ल्ट आते नहीं हैं उनके। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी रिज़ल्ट ज़रूर आएंगे, इस वाली एनर्जी को आप छोड़िए कि वो नहीं आएगा, बातें पकड़ के रखी हुई है वो छोड़ो, उस जंगी को प्यार दो, भगवान के साथ एक हो तो ये इंसान आएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा दिन का टाइम, करंट फीलिंग में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं होता, ये जनरल रीडिंग है तो मैं टाइम बता देती हूँ, वैसे टाइम इन टैरो कार्ड का बहुत लंबा होता है सही बताऊँ तो ये कल के दिन होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, ये इसको आ जाना चाहिए कल के दिन। दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरफ आ रहा है जो आपसे बड़ा है उम्र में, आपके पार्टनर जिनसे आप प्यार करते हैं उनको तो आप बड़ा छोटा समझते ही नहीं, अपने ही बराबर का समझते हैं। ठीक है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, लेकिन कोई और भी व्यक्ति है जिसकी नज़र आपके ऊपर है, और वो इंसान है जो कि थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, और आप एक फ़ीमेल की वजह से परेशान है, औरत की वजह से आप परेशान हैं, जिसका जिसने आपका दिल जख्मी किया हुआ है पूरी तरीके से, और आप लेटी हैं, बस लेटी हैं, आपका दिल नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं, ये दर्द आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ ये सन लाइट आपके जीवन में है, ये सन लाइट आपके जीवन में आ चुकी है, ये आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, और आप इसी तरह रहिए। ठीक है, और ये इंसान डरता बहुत है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसके पास इतनी इतना सब कुछ होते हुए, इतना अच्छा बिजनेस होते हुए, इतना पैसा होते हुए, तब भी ये संतुष्ट नहीं है, लेकिन आपको इस तरह देख के कि आप थोड़े में भी खुश रहती हैं और अपनी पावर में रहती हैं, तो ये एनर्जी है आपकी। और ये इंसान बहुत पछता रहा है, इसने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, तो ये पछता रहा है। ठीक है, तो ये थी पायल बन वालों की रीडिंग, जिसने इस डेक को चूज़ किया था। अब हम चैट करते हैं पायल फूल को, पायल की करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। पायल फूल के जो पार्टनर हैं आप जिनके बारे में सोचते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। ये इंसान अभी पढ़ाई लिखाई में बिजी है पायल टू। ठीक है, कुछ पढ़ रहा है या कुछ नया सीख रहा है ये इंसान, उसमें बिजी है। ठीक है, और कुछ बिजनेस में बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, और ये किसी के कहने पे भी कहीं पे भी चल देता है, इस तरह की इसकी एनर्जी है। ठीक है, कोई भी इसको अपने झांसे में फंसा लेता है और ये उसका कहना मानता है। इसके ऊपर डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा भार है, और ये दिमागी तौर से बिल्कुल भी सही नहीं है जो आपका पार्टनर है, क्योंकि उसके दिमाग में एक के बाद एक बात घूमती ही रहती है। जिस भी रिलेशनशिप में ये जाता है वहाँ ये इसका रिलेशनशिप फिट बैठता ही नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, और ये अपनी फैमिली को, सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को ये
टाइम देता है, सबसे ज़्यादा फैमिली को इम्पोर्टेंट समझता है, इसकी फैमिली ही इसके लिए सब कुछ है, चाहिए जो मर्जी, और आपके साथ इसको चाहे जितना मर्जी इसको पेन कुछ भी मिल रहा है फैमिली से या कहीं से भी, जैसे कि मैंने कहा कि घर में इसके जो घर का जो इसका भार है वो सारा इसके ऊपर है, जैसे कि मैंने अभी बोला, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान को आपके साथ ही रहना है, ठीक है, इस रिश्ता आपके साथ इस इंसान को पेन बहुत मिला है, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इसको रहना आपके साथ है, लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को, वो ये कोडिपेंडेंसी वाली बात आ रही है। मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि कैसे इस एनर्जी से निकला जा सकता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी जब मैं ये बताऊंगी इसके बारे में, और फिर आप सोचेंगे भी कि इस एनर्जी को वाकई छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते में बहुत दर्द मिला है आपको, बहुत तकलीफ़ें मिली हैं, आपका बहुत कुछ आपने खोया है, और फिर भी इस इंसान को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी में मुझे ये एनर्जी पाइल टू वालों की लग रही है, जिसने भी इस डेक को चूज़ किया था, ठीक है भाई। ये भी पता था कि तुमको कि हमारा लाइफ पर्पस होगा साथ में, हम साथ में रहेंगे, हम ट्विन फ्लेम हैं, हमारे एक होने से बाहर आ जाती है, बहुत सारे सपने देखे इस इंसान को लेके, लेकिन ये जो इंसान है ये अपनी ताकत को ही भूला हुआ है दूसरों के चक्कर में, ठीक है, ये जहाँ बैठता है उन्हीं जैसा हो जाता है, जहाँ जाता है ये अपनी अहमियत को ही भूल जाता है कि हाँ ये कुछ है या नहीं है, जिनके साथ बैठता है उन्हीं जैसा हो जाता है, जैसे पानी का रंग होता है, पानी किसी में भी डालो तो पानी वही आकार ले लेता है, उसी तरह का ये इंसान है आपका, ये मिनट में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान ने जो काम करने के लिए इसे भेजा है वो ये बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्या काम करने आया था ये, देखिए इसको भेजा था कि ये अपने आप को इस कार्मिक फैमिली से निकाले, ठीक है, या कार्मिक जो भी इसकी घर दुनिया में जो इसकी ज़िंदगी में उलझने हैं उनसे ये बाहर निकले, और इतनी उलझने इसकी ज़िंदगी में है ये उन चीज़ों को नहीं देख रहा है, ये करने क्या है, ये करने यही आया है, इसका काम ही यही है कि ये अपने आप को फ्री कर दे मेडिटेशन के द्वारा, और जब तक ये ध्यान साधना नहीं करेगा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, तो तब तक ये इंसान अपने आप को फ्री नहीं कर पाएगा, तब तक जो भगवान का काम करने आया वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान इसे चलाएंगे अपने तरीके से चलाएंगे, टाइम है एक, ठीक है, अब नहीं तो 2-4 साल बाद ऐसा होगा तो ये चलेगा, फिर भगवान की मर्जी से, अभी अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भगवान की मर्जी से चलेगा, 5 साल का टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पे भी मुझे 5 ही नंबर मिल रहा है, और ये 5-5 की एनर्जी है, 5 जो नंबर होता है वो बदलाव का नंबर होता है, बदलाव ज़रूर आएगा, अभी बेशक इसमें ये निकलना नहीं चाह रहा है इस एनर्जी से, इसको बहुत चोट मिल रही है, तकलीफ़ें मिल रही हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपके साथ भी हो रहे हैं, औरों के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा है, घूम फिर के आप और ये दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वहीं पे आके अटक जाते हैं, ये कार्ड मुझे ये चैलेंज दे रहा है, और ये काम कर रहा है, काम कर रहा है, बस बिजी इतना है, बहुत काम कर रहा है, लेकिन अंदर से परेशान है ये, ठीक है। और ये वाला जो कार्ड ये बता रहा है कि हाँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं हो, ये जो पायल है ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। यूनियन का बहुत जल्दी, बहुत ही नज़दीक है आपका टाइम, ठीक है। इसमें मैं आपको जो टाइम देती हूँ 5 नंबर 5 दिन का मैं टाइम देती हूँ, इस इंसान के साथ आपका यूनियन लिखा हुआ है, ऐसा होके रहेगा, जल्दी भी हो सकता है, वैसे 5 दिन की ही एनर्जी मुझे आ रही है, आने वाली 9 तारीख को भी हो सकता है। तो ये मैसेज था आपके लिए, पायल टू वालों के लिए मैंने बता दिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद हैं, बहुत ज़्यादा आपके यूनियन में रुकावटें हैं, और वो आपको ही हील करनी है, वो आपके अंदर के ब्लॉकेज हैं, वो कैसे करने हैं, एक के बाद एक हील करते चले जाइए और उतनी जल्दी रास्ते खुलते चले जाएंगे, ये एनर्जी मुझे आई, मैंने आपको बता दी है। तो मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।